Assalamualaikum viewers, how are you all? Hope you all are fine. We are also fine, Alhamdulillah. तो जी जनाब, तो हम लगातार मुसलसल बर्थडे डेकोरेशन बर्थडे के हवाले से, क्योंकि लेटेस्ट हमने जो इवेंट हमने करा था प्लान था, वो था मेरे बेटे का बर्थडे. तो हमने यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे थे, तो मैंने कहा आपको बताऊँ कि हाउ टू डिकोर योर रूम और होम फॉर एनी इवेंट एट वेरी अफोर्डेबल एंड लो प्राइस, और जिससे आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपका जो रूम है, जो जहाँ पे अपने आपका घर है, वो भी अच्छा लगेगा. और कौन कौन सी चीज़ें हम रीयूज़ भी कर सकते हैं इनसे, वो भी मैं आपको बताऊँगी. तो जी, बात हो रही है बर्थडे की, तो बर्थडे में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है बैलून्स, और छोटे बच्चे तो बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं. तो जनाब, हमने दो तरह के बैलून्स लिए हैं. दो तरह के बैलून्स कौन से लिए हैं? एक तो वो जिन पर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे प्रिंट हुआ होता है, एक वो बैलून्स हैं. 10 to 12 वो बैलून्स होंगे, और बाकी हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के प्लेन बैलून्स ले लिए. तो ये देखिए जनाब, तमाम बैलून्स जो हैं बच्चों ने ब्लो कर लिए थे. अब इसके बाद हमने करना क्या है, तो हम करेंगे ये कि बर्थडे प्रिंटेड बैलून तो हटा देंगे, हैप्पी बर्थडे प्रिंटेड बैलून्स तो हम साइड पे कर देंगे. उसके अलावा जितने भी बैलून प्लेन बैलून्स हैं, तो थ्रेड की मदद से दो कलर के कंट्रास्ट में हम बंचेस बना लेंगे. जैसे ये मैंने रेड और ब्लू जितने भी, तो तमाम इनका एक बंच बना लिया. इस तरह से जितने भी सारे प्लेन बैलून्स थे, हम उनके कंट्रास्ट करके जो है बंचेस बना के इसको साइड पे रख देंगे. और बंचेस बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. जैसे आप थ्रेड लेंगे और थ्रेड के साथ जो है इसको बैलून्स को ट्विस्ट करते जाएंगे, तो आपका बहुत आसानी बड़ी फुर्ती से जो है ना आपका एक बंच बन जाएगा. देखिए यहाँ पे बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं, बंचेस बनवा रहे हैं, बैलून ब्लो कर रहे हैं, और इतने सारे बैलून ये सब बच्चों ने ही ब्लो करे थे. इसमें जो है मेरा कोई कमाल नहीं है. वैसे तो हम बैलून ब्लो करने के लिए हमने एक पंप लिया हुआ है, जो कि बहुत हम यूज़ करते हैं और बहुत आसानी से उसे बैलून जितने भी बैलून ब्लो कर लेते हैं हम, तो वो भी पंप भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है. आप एक दफ़ा ख़रीदिए, एक दफ़ा परचेज़ कीजिए और फिर आप उसको यूज़ करते रहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें ख़राब तो होती नहीं है. देखिए जनाब, ये तमाम बंचेस मैंने बना लिए हैं. देखिए 2-2 कलर के कंट्रास्ट में हमने बंचेस बना लिए हैं. अब नेक्स्ट बारी आती है क्रैप पेपर के जो रिबन्स होते हैं, बा आसानी इसके पैकेट्स मिल जाते हैं. ये दो पैकेट्स लिए मैंने, और जस्ट इसको मैं प्लेन वॉल पर लगा दूँगी और थोड़ा ट्विस्ट करके लगाऊँगी. ट्विस्ट करने से देखें कितना प्यारा सा जो है इनके जो आ जाते हैं रिबन्स के जो लुक है, बहुत ही प्यारी सी आ जाती है. ट्विस्ट करने से बहुत प्यारा लुक आ जाता है. तो जस्ट रिबन को मैं ट्विस्ट करके लगा दूंगी, और ये रिबन्स रीयूज़ भी हो सकते हैं. आप बर्थडे पार्टी के बाद इसको उठाकर फोल्ड करके रख दें, आप इसको दोबारा भी रीयूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे जनाब, ये यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का जो टैग देख रहे हैं आप, ये भी मेरे पास रखा हुआ है. 2-3 बर्थडे ये मैं इससे कवर कर चुकी हूँ. जस्ट मैंने इसको निकाला, इसको इसकी रोप में लगाया, बस तरीके से मैंने रखा हुआ है, और इसको वॉल पे पेस्ट कर दिया. ऊपर लगा दिए थे मैंने बर्थडे के बैलून्स, और नीचे ये जो तमाम बंचेस बनाए थे, इसको मैंने इस तरह से लगा दिया रैंडमली, कि मेरा फोटो बूथ टाइप का थोड़ा स्टाइल बन गया. देखिए जनाब, कितना प्यारा, बहुत ही इजी वे में जो है ना, कहते हैं मैंने डेकोरेशन कर ली थी, और बहुत प्यारी सी डेकोरेशन हो रही. और देखिए ये जो मैंने रैंडम वो फोटो बूथ बनाया था, देखिए बच्चों ने यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स खिंचवाई बहुत खुशी से, और ये मेरा ज़बरदस्त सा रूम रेडी हो चुका था. उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और मेरी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे. और नई आने वाली वीडियो तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग.